हेलो दोस्तों, मेरा नाम विद्याशंकर पांडे है और VSP YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मेरे प्रीवियस वीडियो से पता चल चुका होगा कि मेरा YouTube अकाउंट सस्पेंड कर दिया, मेरा Adsense अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। YouTube अकाउंट मेरा अभी भी एक्टिव है, मैं अपने वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। Adsense अकाउंट सस्पेंड होने के कारण मेरे YouTube वीडियो पे मेरे जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते तो सारे बंद हो गए हैं। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो YouTube चैनल से मेरा रेवेन्यू ज़ीरो है। फिर भी मैंने डिसाइड किया है कि ड्यूरिंग दिस सस्पेंशन ऑफ 30 डेज, इस 30 दिन के सस्पेंशन पीरियड के ड्यूरेशन में भी मैं अपना जो हार्डवर्क कर रहा था मैं उसको जारी रखूँगा। मैं अपने इस हार्डवर्क से मैं चाहता हूँ कि जो मैं रिसर्च करके लेके आऊँ उससे आपको बेनिफिट हो, और जो मिस्टेक अगर मेरे से गलती से हो गई हो वो गलती से भी आप वो गलती ना करें और आप अपने YouTube चैनल को सिक्योर करें और अपने Adsense अकाउंट के बारे में और फोकस होके ध्यान देके और उस पर अच्छे से काम करें और कुछ गलत होने के चांसेस हैं उसको मिनिमाइज़ करें। तो अभी मेरे को आपको जैसा कि आपने देखा होगा कि YouTube के गूगल एडसेंस की तरफ से मेरे पास मैसेज आया है कि 30 दिन के लिए मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है और इस सस्पेंशन को नॉन अपीलेबल, आप इसके अगेंस्ट अपील भी नहीं कर सकते हो कि मुझे बोला गया है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन वेट करने के लिए। मैं आपको इसका साइड इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट ये हुआ है कि यूट्यूब ने अपनी पार्टनरशिप डिसेबल्ड कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि डियर विद्याशंकर पांडे, योर पार्टनरशिप हैज़ बिन डिसेबल्ड। ये मुझे YouTube के तरफ से विदिन 40 आफ्टर Adsense अकाउंट के डिसेबल होने के विदिन 24 आवर्स मुझे ये ईमेल आ चुका है YouTube के तरफ से कि मेरा पार्टनरशिप डिसेबल्ड हो चुका है। अगर मैं अपना YouTube चैनल आपको दिखाऊं तो वहाँ पे इन्होंने मोनेटाइजेशन का लिंक ही गायब कर दिया है। आपको मैं दिखाऊं तो ये मेरा YouTube चैनल है, अभी मैंने रिसेंटली 16 दिसंबर को ही ये शुरू किया है और मैं अपने हार्डवर्क और एफर्ट को भी लगा रहा था, पूरी ईमानदारी से मैं मेहनत कर रहा था कि तभी ये मेरे ऊपर, पता नहीं ये मेरे से मिस्टेक हुआ या किसी और से मिस्टेक हुआ, ये प्रॉब्लम आ चुकी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने डिसेबल्ड कर दिया है, मोनेटाइजेशन को डिसेबल्ड कर दिया है। आप और अगर दूसरा चीज़ कोई डिसेबल्ड है तो उसको एलिजिबल है और लेकिन इनेबल करने के ऑप्शंस होते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि मेरा 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए तो मैं अपना एक कस्टम URL ले सकता हूँ, लेकिन मेरे इस केस में इन्होंने मोनेटाइजेशन का लिंक ही डिसेबल्ड कर दिया है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने एक्सपीरियंस को डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करूं। ये मेरा वो वीडियो है जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि मेरा Adsense अकाउंट क्यों सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें मैंने आवाज़ नहीं दिया, इसमें आप मेरी आवाज़ नहीं पाएंगे, मैंने लिख के बताया क्योंकि मैं काफ़ी टेंशन में आ गया था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई कहाँ पे है। तो थैंक यू वेरी मच। आप एक मोटा मोटी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपका CTR रेट 10% से ज़्यादा हो रहा है, अगर आप अपना पैटर्न देखें तो 3% या 4% या 5% होता है तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा, लेकिन अगर आपका CTR रेट जो कि आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में देख सकते हैं, जस्ट चलिए मैं आपको अपना एडसेंस अकाउंट शो कर देता हूँ। यस्टरडे की ये घटना है, घटना या दुर्घटना कह लीजिए, परफॉर्मेंस इन लास्ट वीक, तो लास्ट परसेंट सेम डेज। तो अभी मैंने आपको दिखाऊं तो ये है, ये CTR मेरा 10% से नीचे है फिर भी मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, एडसेंस अकाउंट, जैसा कि आप देख सकते हैं रेड कलर में मैसेज आया हुआ है। तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं, इस ड्यूरेशन में मैं आपके साथ अपना नया वीडियो शेयर करता रहूँगा और अपने एक्सपीरियंस को बताता रहूँगा। मैंने गूगल फोरम में जाके भी और यूट्यूब फोरम में भी जाके कुछ लिखे थे, लेकिन वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं आई है। तो वहाँ पे भी बताया गया है कि आपको केवल वेट करना है। तो थैंक यू वेरी मच, हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मैं चाहूँगा कि आपके साथ इस तरह का कुछ बुरा ना हो। थैंक यू वेरी मच।